हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। क्लास एट मैथ सब्जेक्ट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज द एक्सरसाइज 9.5 द क्वेश्चन नंबर 4 साढ़े को है कि वी हैव टू सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन विच इज इन स्क्वायर। सो असी सिंपलीफाई करना कितना है बाई यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। सो इसलिए सुटेबल आइडेंटिटी कैसी लगेगी, वो लगेगी ए माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए होल द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हियर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए जगह तक लिखे आया ए स्केयर, तो बी जगह तक लिखे आया बी स्केयर। इसमें से लिखेंगे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर द होल स्केयर इज इक्वल टू ए जगह लिखेंगे असी ए स्केयर द होल स्केयर माइनस टू अगेन ए ए जगह तक लिखेंगे ए स्केयर देन बी जगह तक लिखेंगे बी स्केयर प्लस बी की जगह लिखेंगे इस बी की जगह लिखेंगे इतने बी स्केयर द होल स्केयर। ए स्केयर द होल स्केयर की होएगा ए रेज़ टू पावर 4, क्योंकि असी एक्सपोनेंट्स दे विच पढ़िया है कि ए रेज़ टू पावर एम होल एन इज इक्वल टू ए एम एन, राइट। सो इस नू ए रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4th सेकेंड पार्ट है अपने को 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। ए दे विच असी टू आइडेंटिटीज यूज करांगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। सो असी इत्थे लिखांगे इस नू 2x प्लस 5 द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 2 इंटू प्लस 5 होल स्केयर देन माइनस। जो तुसी इसनू सॉल्व करना है इस ब्रैकेट नू ओपन करना है आइडेंटिटी लगा के, ये ध्यान रखना कि इसनू सारे नू बड़ी ब्रैकेट विच रखना आपां। सो 2x द होल स्केयर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 द होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा अपने को 2 स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इज 20 इंटू x प्लस 25 माइनस 2 द स्केयर की होएगा 4x स्केयर प्लस 2 इंटू 2 इज 4 4 इंटू 5 इज 20x प्लस 25 4x स्केयर प्लस 20x प्लस 25। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अब प्लस द है माइनस द हो जाएगा माइनस 20x साइन चेंज हो जाने सारे यहाँ माइनस 25 प्लस 20x माइनस 20x गॉट कैंसल्ड एंड देन प्लस 25 एंड माइनस 25 आल्सो गॉट कैंसल्ड। साढ़े को आंसर की आया यस दिस दे आल्सो गॉट कैंसल्ड। सो 4x स्क्वायर कैंसल्ड विद द माइनस 4x स्क्वायर सो आंसर साढ़े को आया 0। थर्ड पार्ट इज सेम एज
सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो द सेम, क्योंकि उदे च असी सिर्फ ए प्लस बी द होल स्केयर, तो ए प्लस बी द होल स्केयर ही यूज होनी है। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट साढ़े को लिखा हुआ है ग्रीन बोर्ड से, तो इसनों सोल्व करने वास्ते असी आइडेंटिटी ए माइनस बी द होल स्केयर यूज करांगे। टू डेसिमल पी होल स्केयर माइनस टू इंटू टू डेसिमल पी इंटू वन डेसिमल क्यू प्लस 1.5 द होल स्केयर देन माइनस 1.5 पी होल स्केयर माइनस टू इंटू 1.5 पी इंटू 2.5 क्यू प्लस 2.5 क्यू द होल स्केयर देन ब्रैकेट क्लोज्ड। 2.5 होल स्केयर पी होल स्केयर की होएगा, इसका स्केयर होएगा 2.5 का 6.25 पी स्केयर देन फिफ्टी फाइव जा 75 फिफ्टीन टू जा 30 एंड 37 इंटू टू 2.5 जा 10 एंड 2.7 जा 14 एंड 15 2.3 जा 6 एंड 7 ये साढ़े को होएगा माइनस 7.50 पी क्यू प्लस 1.5 द होल स्केयर की होगा 2.25। सो इस लिखेंगे 2.25 क्यू स्केयर माइनस 1.5 पी स्केयर इज 2.25 पी स्केयर माइनस 7.50 पी क्यू, क्योंकि सेम मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 प्लस 6.25 क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.50 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 2.25 पी स्क्वायर और माइनस 10 ही प्लस हो जाएगा 7.50 पी क्यू प्लस 10 ही माइनस हो जाएगा 6.25 क्यू स्क्वायर। देखो पहले कैंसल केड़े केड़े होंगे है माइनस 7.50 7.50 इंटू पी क्यू कैंसल होंगे ने आपस, बाकी लाइक टर्म्स असं हम कट्ठे कर लें 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर ऐसे कितना आंसर आया 4 पी स्क्वायर देन माइनस 4 क्यू स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दा साढ़े कोल सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ एंड सैवंथ इको जे हैं, सिर्फ उन्हां दी फिगर्स चेंज हो रही होनी है, बाकी पैटर्न सेम ही है सॉल्व करन दा। ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी
फर्स्ट ऑफ ऑल इतने आइडेंटिटी लगा के उसमें सी सॉल्व करांगे। इस लिखा जा सकता है ए बी होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी होल स्क्वायर एंड दिस माइनस टू ए बी स्क्वायर सी। ए बी द होल स्क्वायर की होएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी स्क्वायर सी, ए बी इंटू बी बी स्क्वायर एंड सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी, ये कट गए आपस दे विच। सो आंसर आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो क्वेश्चन फोर्थ दे जिहड़े पार्ट्स रह गए ने ये तुसी आप कोशिश करनी है, इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, ईवन मेरे वट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। सो इस दे नाल ही अज दा सेशन इत्थे खत्म हुंदा है, फिर मिलांगे क्वेश्चन नंबर 5 दे नाल। टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।